नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। चुनावी साल और योजनाओं की बरसात जरूरी है या फिर मजबूरी, ये तो सत्ताधारी दल ही जाने, लेकिन आम जनता भी उसी रट्टू पच्ची तरह है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं कि रट लगाते नेताओं की माया जाल में फंसता चला जाता है। घोषणाओं का अंतिम सिलसिला इस चुनाव से पहले भी ऐसा ही हो रहा है। विभिन्न थानों में लाइसेंसी वैध हथियार सत्यापन को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ी है। ऐसा करना उन लोगों के लिए चुनाव से पहले जरूरी हो गया है जिनके पास सुरक्षा कारणों से अपना हथियार है। पटना के सभी थानों में सत्यापन का काम चल रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अपने ही राज्य में 3 साल तक सेवा करने की नीति का स्वागत किया गया है। वर्तमान समय में सरकार ने 370 नए डॉक्टरों की सेवाएं विभाग को सौंपी हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोकथाम के लिए मास्क भी एक कारगर उपाय साबित हुआ है, तभी तो इसे प्रयोग में लाने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी आदतन और इरादतन मास्क नहीं लगाने से दंड शुल्क जमा कर दे रहे हैं। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार जनसंपर्क अभियान से जुड़े रहे हैं और अब उन्हें जनता से काफी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। वे वादा करते हैं कि सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के सपनों का बिहार बनाएंगे। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का महागठबंधन से बाहर निकलना नुकसानदेह साबित हो रहा है। वे ये भी कहते हैं कि सीट बंटवारे के संदर्भ में राजद प्रमुख से बातें हो गई हैं। राज्य की दुग्ध उत्पादन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सुधा उत्पाद लोकप्रिय बना हुआ है। इस बीच गया क्षेत्र के 26 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध क्षमता संयंत्र लगाने का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर किसानों की आर्थिक कमी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकारी प्रयास ने अपना रंग दिखा दिया है। कोरोना मामले में इलाज की गुणवत्ता बिहार में बढ़ी तो इसका मतलब रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक रिकवरी होना संतोषजनक है। बिहार सरकार ने जागरूकता अभियान के साथ पशुपालकों के लिए बाढ़ की स्थिति में पशु प्रबंधन की दिशा में कदम उठाया है, जिसकी सराहना पशुधन पालकों ने की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय द्वारा जनहित में गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं जो लाभकारी है। आने वाले समय में अब वाहनों का बीमा बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के संभव नहीं हो सकता है। इरडा ने सभी बीमा कंपनी को इस बाबत सूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक पूरे बिहार में 17 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।